This example based on pointer operations. In this case, we just want an example provide here based on arithmetic operations. The arithmetic operation which is applicable for pointers are. In this case, we find out here valid arithmetic operation. First case, we talk about pointer case. If you have a pointer available like that, int x equals to 10 and star p equals to address of x. Then, in this case, pointer variable just p. P के रिस्पेक्ट में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, इस पॉइंटर वेरिएबल में इंक्रीमेंट कराना पॉसिबल है बिकॉज़ जस्ट इसका इंटरनल कन्वर्जन क्या है, इट इज इक्विवेलेंट टू p इक्वल्स टू p प्लस 1. जैसे प्लस ऑपरेटर के रिस्पेक्ट में बात करें, प्लस क्या अरिथमेटिक ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर की इसमें फर्स्ट ऑपरेंड क्या है पॉइंटर, पॉइंटर मींस p मींस पॉइंटर, प्लस 1 क्या है इस केस में इंटीजर, पॉइंटर को इंटीजर्स के साथ ऐड कराना पॉसिबल, प्लस इस केस में रियल किस फॉर्मेट में आएगा एड्रेस इज. Then address को assign करने के लिए again required क्या होगा pointer, तो इसका जो भी result आएगा result किस form में assign हो रहा है again inside pointer, therefore it is plus plus is a valid operations, clear. Same as in case of minus minus, minus minus is also valid operations क्योंकि pointer के cases में integer को add कराना भी possible है, subtract करना भी possible है. लेकिन next case में अगर बात करें other operators के case में unary minus और unary plus, इस पॉइंटर्स के साथ अगर आप जस्ट अप्लाई करते यूनरी माइनस, इट इज इनवैलिड ऑपरेशंस. सेम एज यूनरी प्लस इज आल्सो इनवैलिड ऑपरेशंस क्योंकि पॉइंटर्स जस्ट क्या है मेमोरी एड्रेस है, जबकि प्लस और माइनस रिप्रेजेंट क्या करें साइन, एड्रेस के लिए कभी कोई साइन एप्लीकेबल नहीं, देयरफॉर इट इज इनवैलिड ऑपरेशन. मींस फाइनली पॉइंटर्स के केसेस में यूनरी ऑपरेटर माइनस और प्लस अप्लाई करना पॉसिबल नहीं, देयरफॉर इट इज incorrect options. Next one, B के केस में चेक करें तो plus plus और minus minus already test कर चुके, it is valid. Then check करना binary minus means और binary plus, binary minus और binary plus की बात करें किसी particular केस में binary minus और plus apply करना possible. For examples, in that case, अगर आपके पास just two variables available हैं like x और one more variable is y, y equals to 20. जस्ट इस केस में जब इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन परफॉर्म हुआ तो x और y क्रिएट करूंगा इनसाइड स्टैक एरिया, x का एड्रेस मैं अज्यूम करा जाए 100, देन y का एड्रेस क्या हो समथिंग 98. देन इस केस में अगर जस्ट मैं परफॉर्म करा दूं एड्रेस ऑफ x, मींस इस प्लेस ही क्या आएगा x का एड्रेस क्या है 100. सेम एज माइनस एड्रेस ऑफ y, इस केस में क्या जस्ट 98. ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पॉइंटर को पॉइंटर के साथ सबट्रैक्ट करना पॉसिबल, पॉइंटर मींस एड्रेसेस, प्लस इसका रिजल्ट क्या आएगा जस्ट डिफरेंस एज, जो भी इसका डिफरेंस है डिफरेंस को डिवाइड किससे करेंगे साइज ऑफ इंट से, मींस 2, जस्ट 2 डिवाइड बाय 2, रिजल्ट क्या आएगा इस केस में 1. मींस आपको इस केस में रिजल्ट टेस्ट करने की जरूरत नहीं, जस्ट टेस्ट करना है ऑपरेशन कैसा है वैलिड और इनवैलिड. वैलिड मींस अगेन बाइनरी माइनस ऑपरेशन भी कैसा है आल्सो वैलिड ऑपरेशंस फॉर two pointers, it is also valid operations. Next one plus, or you can say binary plus, binary plus की बात करें तो binary plus operation already test कर चुके हैं also valid. Region, इस केस में plus का type क्या है binary, first operand क्या है pointer means address, second operand क्या है integer means किसी pointer को integer के साथ add कराना possible, again ये operation कैसा है valid. Same as इस केस में यूज करता हूं माइनस, माइनस भी क्या है इस केस में बाइनरी माइनस, मींस बाइनरी माइनस और बाइनरी प्लस दोनों ही ऑपरेटर्स कैसे हैं बोथ आर वैलिड ऑपरेशंस, मींस सभी केस में वैलिड नहीं लेकिन कोई तो ऐसा केस है जिस केस में वैलिड, अगर एक भी केस वैलिड है तो इसको फाइंड आउट करो जा, तो इस केस में चारों के चारों ऑप्शन कैसे हैं वैलिड, देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन इज बी. सी के रिस्पेक्ट बात करें सी के केसेस में मींस अगेन ऑकर क्या हुआ यूनरी प्लस माइनस, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं इट इज इनवैलिड. सेम एज पॉइंटर के केस में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं. सेम एज ऑप्शन डी, ऑप्शन डी के केस में इनकरेक्ट केस क्या है शिफ्टिंग, मींस पॉइंटर्स को कभी भी एड्रेसेस को शिफ्ट कराना पॉसिबल नहीं, अगर आप फॉलो करते लाइक p लेफ्ट शिफ्ट y1 और p राइट शिफ्ट y1 इट इज इनवैलिड ऑपरेशंस, देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन इज बी.